हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर यासीन। आपके लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन लेके आया हूँ। आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूले। आपके सारे जो एग्जामिनेशन की जितनी भी सारी क्यूरीज है, जितनी भी सारी नोटिफिकेशन है, जितनी भी सारी अपडेट्स है, मैं आपको इस चैनल पे लेके आ रहा हूँ। अब देखिए, मैं आपको इस चैनल पे आज बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, जो बार बार स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर, हमारा कॉलेज सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का एक नोटिफिकेशन एक वायरल हो चुका है, इसके अंदर ब्लफ हो चुका है, बहुत ही सारे बच्चे जो है वो ये गलत बात फैला रहे हैं, बहुत ही सारे यूट्यूबर्स गलत बात फैला रहे हैं कि यहाँ पे कॉलेज स्टार्ट होने वाला है, 4 जनवरी से कॉलेज स्टार्ट होने वाला है, इस तरह की सारी अफवाहें यहाँ पे चल रही है। तो मैं आपको इस चैनल के जरिए, इस वीडियो के जरिए बताने वाला हूँ कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी ने क्या, कॉलेज का जो है स्टार्ट होने का क्या एक्शन लिया है। तो मैं आपको बताऊंगा, इस वीडियो को एंड तक आप देखते रहिए। अब देखिए, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से यूनिवर्सिटी ने डिसीजन लिया है, पुणे यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे ने यहाँ पे कोई कमिटी फॉर्म की गई है कॉलेज स्टार्ट होने के लिए, और सेमेस्टर स्टार्ट होने के लिए कमिटी फॉर्म की गई है। ऑलरेडी ऑनलाइन लेक्चर्स पास बहुत सारे कॉलेजेस ने इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, लेक्चर्स वो ले रहे हैं। यहाँ पे वो उन्होंने कहा है कि किस तरह से जो ट्रेडिशनल मेथड को यूज करके फिर से कॉलेज स्टार्ट होने वाला है। मैं आपको बताऊंगा कि सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है डॉक्टर करमलकर सर, इन्होंने एक कमिटी फॉर्म की है। कमिटी फॉर्म करने के बाद वो कमिटी इस डिसीजन पे पहुंचेगी, हालात देखेंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो SOPs जो गवर्नमेंट ने जो दी है, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट में दी है, उसको फॉलो करते हुए किस तरह से फैसिलिटीज को देखते हुए, कॉलेजेस के एतराफ को देखते हुए, सराउंडिंग्स को देखते हुए यहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा कि किस तरह से SOP फॉलो करके कॉलेज किस तरह से जल्द शुरू किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको बताऊंगा कि किस तरह से कमिटी फॉर्म होंगी, वहां पे डिसीजन होगा। डिसीजन होने के बाद अगले 3 से 4 दिनों में या 2 दिनों में आपको कमिटी का डिसीजन जो है वाइस चांसलर को सबमिट करना है, सारी कमिटी का जो है जो आप बोलेंगे इसका कंक्लूजन, और इसका जो है पूरी तरीके से इसके पैरामीटर्स उसके इनके सामने रखा जाएगा वाइस चांसलर के। फिर उसके बाद GR निकलेगा कि कॉलेज स्टार्ट होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा इन कमिटी के रिजल्ट्स के ऊपर, कंक्लूजन के बेसिस के ऊपर। तो ये सारी अफवाह है, गलत है, सारी चीजें जो है यूट्यूबर्स है और काफी सारे बच्चे जो है इसको फैला रहे कि हमारा कॉलेज 14 जनवरी से शुरू होने वाला है। तो ये सारी अफवाह पे बिलीव ना कीजिए। अब आप मेरे इस आगे के प्रोसीजर्स के लिए और आगे के अपडेट्स के लिए आपको मेरे चैनल पर बने रहना है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक चीजें होने वाली है और ऑथेंटिक मटेरियल मैं आपको पास करने वाला हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल देखिए, बेल आइकन दबाना ना भूले कि आगे के नोटिफिकेशन आपको आएंगे। और जब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बेस्ट ऑफ लक।